क्या इरेगुलर पीरियड से इनफर्टिलिटी हो सकती है, आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकवडे, क्लिनिकल हेड ओएसएस फर्टिलिटी पुणे, आप सबका एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड्स के बारे में और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है क्या, इसके बारे में। रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं? सो नॉर्मली पीरियड्स का जो रेगुलरिटी होता है वो 28 टू 30 डेज होता है, बट 21 डेज के पीरियड्स को भी रेगुलर कहा जाता है। 21 से लेके 35 डेज तक अगर पीरियड्स उसमें आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है पीरियड्स का, तो उसको हम लोग रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। 21 डेज से पहले अगर पीरियड्स आ रहा है तो हम लोग कहते हैं कि टू अर्ली पीरियड्स आ रहे, इसको हम लोग पॉलीमेनोरिया कहते हैं। और 35 डेज के बाद अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो बहुत कम बार साल में पीरियड्स आ रहे हैं, इसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ये कोई भी फ्रीक्वेंसी को एबनॉर्मल कहा जाता है और इसको हम लोग इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। आइए जानते हैं इरेगुलर पीरियड्स किस कारणों की वजह से हो सकते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है पीसीओडी, जो आजकल काफी कॉमन होते जा रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है, अंडाशय में बीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। और ये इसको एक जेनेटिक प्रीपोंडरेंस है, मतलब ये फैमिलीज में रन होता है। अगर आपकी माँ को पीसीओएस है तो आपको भी पीसीओएस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसी के साथ में इरेगुलर पीरियड्स का दूसरा कारण है पुअर ओवेरियन रिजर्व या अंडाशय में बीजों की संख्या कम होना। ये दोनों अलग अलग एक्सट्रीम्स है। पीसीओएस में बीजों की संख्या ज्यादा होती है तो पीओआर या पुअर ओवेरियन रिजर्व में बीजों की संख्या कम होती है। इसी के साथ में अदर एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज, जहाँ पे हॉर्मोन्स की इरेगुलरिटी है वहाँ पे पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती है, जैसे थायराइड हार्मोन की इरेगुलरिटी, प्रोलैक्टिन हार्मोन की इरेगुलरिटी, इसमें भी पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इनफर्टिलिटी हो सकती है। आइए जानते हैं इसका हम लोग निदान कैसे करें। तो निदान करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल टेस्ट। ये पीरियड के नॉर्मली पीरियड डे सेकेंड से डे फाइव के बीच में किए जाते हैं। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, टेस्टोस्टेरॉन, इस हार्मोन से हम लोग पीरियड्स की इरेगुलरिटी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसी के साथ में एक सोनोग्राफी भी हम लोगों को ये बता सकती है कि PCOS, POR या और किसी कारणों की वजह से इरेगुलरिटी हो रही है। कभी कभी गर्भाशय के प्रॉब्लम्स की वजह से भी पीरियड्स, दो पीरियड्स के बीच में एक ब्लीडिंग हो सकता है जिसको इरेगुलर पीरियड्स माना जा सकता है, बट नॉर्मली इसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेट्रोरेजिया भी कहा जाता है। आइए आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। इरेगुलर पीरियड्स में ट्रीटमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो ओव्यूलेशन समय पे नहीं होगा, और ओव्यूलेशन अगर समय पे नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। PCOS या PCOD एक अलग सब्जेक्ट है, बट आइए हम लोग नटशेल में जानते हैं कि पीरियड्स इरेगुलरिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोग पीरियड्स की इरेगुलरिटी को कम कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन, जहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट्स, ये सब अवॉइड करने चाहिए। इसी के साथ में एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है PCOD में, हार्मोनल इंबैलेंस को पुनः बैलेंस में अचीव करने के लिए। इसी के साथ में एक अच्छा स्लीप पैटर्न, एंग्जाइटी या स्ट्रेस का कम होना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में। आपको कोई एडिक्शंस है या पैसिव एडिक्शंस है तो इसको भी कम करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि पीरियड्स का इरेगुलरिटी कम हो जाए। जिनका ओवेरियन रिजर्व कम है उनको, उन्होंने डॉक्टरों की सलाह जल्दी लेनी चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का टाइम में शुरू किया जा सके। तो पीरियड्स इरेगुलरिटी के बारे में इतना ही, अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे। आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।